السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. बस अगर किसी चीज पर इख्तलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आज का मौजू हमारा है कि हमें तो इत्तबा करनी है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, लेकिन जो मसाइल वाज़ह नहीं है, जिनके बारे में हमें कुरान सुन्नत से कोई इल्म नहीं है, तो हम किसी मोहतमद आलिम की तहकीक पर अमल करेंगे, उसे तकलीद का नाम ना दें, बल्कि उस आलिम की दलील को सुन करके इत्मीनान करके की बात पर अमल करें। और अगर इसे तकलीद कहते हैं तो कहें, लेकिन असल चीज अल्लाह और उसके रसूल की अताअत है। जिस मसले में कुरान सुन्नत से नस मौजूद ना हो, उसमें किसी मोतमद और मुहक्किक आलिम की तकलीद करें। लेकिन बात यह आती है, इख्तलाफी मसाइल में हमें कैसे पता चले कि किसका मसला सही है, कौन हक पर है कौन ना हक पर। मैंने परसों एक प्रोग्राम पेश किया था जिसका उन्वान था कि असल दीन है इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कि तकलीद इमाम। उसमें मुशाहिदीन में एक साहब ने कुछ सवालात किए थे। अब मैं चूंकि एक खास मौजू तैयार किया था बोलने के लिए, तो मैं बोला और बीच बीच में उनके सवालात आते रहे, तो जिस कदर मुझसे हो सका मैं जवाब भी देता गया। तकलीद और इत्तबा के मौजू पर मैं कह रहा था कि तकलीद न की जाए जब तक कुरान सुन्नत के नसूस आपके सामने है, कुरान सुन्नत की तरफ रुजू करें। तो उन साहब ने जो सवालात किए थे, उन सवालात को मैं आपके सामने रखता हूं और धीरे धीरे उस पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करें। पहला सवाल उन्होंने किया कि अगर किसी को पूरी हदीस पर तहकीक ना हो तो क्या करे। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की अताअत करें, हदीस पर अमल करें, तो उन्होंने सवाल किया कि किस हदीस को लें किस हदीस को छोड़ें। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि मैंने कहा कि जब कुरान कहता है किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो उस मसले को कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाओ और देखो किसकी बात ज्यादा कुरान और सुन्नत से करीब है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे लौटाएंगे, कुरान और सुन्नत पर मसले को पेश करने का तरीकेकार क्या होगा। ये तीसरा सवाल था उनका। चौथा सवाल था, जब मैंने ये कहा कि जब आपको दलील नहीं मिलती है तो आप
जो जिस मसले में आपको इल्म नहीं है तो किसी इमाम की बात माने, किसी मुहक्किक की बात माने। उन्होंने कहा कि तब तो यही तकलीद हो गई, इसी को तो तकलीद कहते हैं। पांचवी बात उन्होंने कही कि अगर किसी मसले में सही तहकीक मौजूद ना हो, उन्होंने मौजूद कहा, मेरे ख्याल से उनको कहना चाहिए था किसी मसले में आदमी सही तहकीक ना कर पाए तो क्या उस मसले में किसी आलिम की तकलीद कर सकते हैं। छठा सवाल था, हमने कहा उस इमाम की बात माने, उस आलिम की बात माने जिसकी बात सेहत के करीब हो, कुरान सुन्नत से करीब हो। उन्होंने सवाल किया कैसे मालूम होगा कि कौन सा इमाम सही तहकीक के करीब है। मेरे जवाब देने के बाद उन्होंने सातवां सवाल किया कि इमाम भी तो हदीस से इत्तेहाद करते हैं। आठवां सवाल उन्होंने किया कि फिर तो हर शख्स को इस लायक होना चाहिए कि उसको सही हदीस का इल्म हो ताकि वो भी इत्तेहाद कर सके। और नौवीं बात उन्होंने कही तकलीद शख्सी शख्सियत परस्ती और तकलीद में क्या फर्क। इतने सारे सवालात उन्होंने मेरे उस 50-55 मिनट की गुफ्तगू के दौरान किए। जाहिर बात है इतने सारे सवालात का फौरी तौर पर अपनी बात पेश करते हुए खातिर खा मैं जवाब नहीं दे सका हूंगा, कम इल्मी का एतराफ है। फिर भी आज इस मजलिस में मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। हमें हुक्म है अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लम की इताअत की, और हुक्म है अमीर की और वली अम्र की इताअत की, और हुक्म है कि अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो फिर अमीर और वली अम्र और किसी आलिम की बात नहीं ली जाएगी, फिर पलटाया जाएगा उसे कुरान और सुन्नत की तरफ कि किसकी बात कुरान और सुन्नत से करीब है उसको लिया जाएगा। सवाल, अगर किसी को पूरी हदीस पर तहकीक ना हो तो क्या करें। जाहिर बात है ये सब इसके मुकल्लफ नहीं है कि सब लोग पूरी हदीस पर तहकीक करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जितनी आपके अंदर ताकत है उस कदर आप तहकीक करें, सही रास्ते पर चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह मस्ततातु, जिस कदर ताकत है अल्लाह से डरो। तो जिस कदर आपसे हो सके मसले की तहकीक करें, कुरान और सुन्नत मालूम करें। कोई भी आदमी जो आपको बात बताता है उससे दलील पूछें कि आप ये जो बात कह रहे हैं कुरान और सुन्नत में इसकी दलील क्या है। अगर वो आपको दलील देता है तो आप बरी हैं, आप उस दलील को समझते हैं बड़ी बात है, नहीं समझते तो कम से कम आपको इतना तो पता चलेगा कि आपने कुरान और सुन्नत को माना। असल में कुरान और सुन्नत की दलील मांगने से ये लगता है कि हम कुरान और सुन्नत की इत्तबा करते हैं। जब हम दलील नहीं मांगते हैं, डायरेक्ट किसी के पीछे चल पड़ते हैं तो कुरान और सुन्नत हमसे छूट जाता है, फिर हम तकलीद और शख्सियत परस्ती में पड़ जाते हैं। इसलिए जिस मसले में हमें इल्म नहीं है तो किसी मुतमद आलिम की तहकीक पर अमल करेंगे और उससे दलील जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सवाल किया किस हदीस को लें किसको ना लें। भाई हदीस से तो हदीस के नाम पर जखीरे हदीस में बड़ी सारी हदीस है, कुछ सही है कुछ ज़ईफ है, शाज़ है मुनकर है मुअल्लल है मनसूख है। तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने इसे भटकता हुआ नहीं छोड़ा उम्मत को, मुहद्दिसीन ने उसकी तहकीक की है, तहकीक करके आपको दे दिया। अब आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं कि किस हदीस को लें किसको छोड़े। जाहिर बात है सही हदीस को लेंगे उसके मुकाबले में ज़ईफ और कमजोर और शाज़ और नादिर और मुअल्लल और जो है मौकूफ को छोड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे हदीस का जखीरा ऐसे अटंडम पड़ा हुआ है उसमें कुछ पता नहीं है कि हम किसे लें किसे छोड़ें,
तो कोई साहब हमें लेकर के दे दे तो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह का ये दीन महफूज है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाले, तो जाहिर बात है कुरान पर अमल करना तब मुमकिन है जब अल्लाह के रसूल के हदीस पर आप अमल करें। कुरान में सारी तफसीलात नहीं है, उनकी तफसीलात अहादीस में है। कुरान पर अमल करने के साथ साथ हदीस पर अमल करना जरूरी है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, ऐसे ही अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन का गौरव पैदा किया, उन्होंने हदीसों को महफूज किया, हदीसों को छाटा, खरा खोटा, सही गलत, हक बातिल, सही ज़ईब सब छाट छाट करके दे दिया। जो सही है उसको ले ले, उसके मुकाबले में जो ज़ईफ है छोड़ दे। ये अलग बात है कि कुछ अहादीस के तायीन में इख्तलाफ है, कोई हदीस किसी के नजदीक सही है, किसी के नजदीक ज़ईफ है, ठीक है, अगर इख्तलाफ हो जाए तो आप उसी पर अमल करें, लेकिन मकसद क्या हो, कुरान और सुन्नत पर अमल, मकसद किसी इमाम की तकलीफ, क्योंकि मेयार अक्ल और तकलीद नहीं है, मेयार हक कुरान और सुन्नत है। तो अहादीस में अहादीस को जो जखीरा है उसमें सही अहादीस को लें और ज़ईफ और बातिल अहादीस को छोड़ दें। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि इख्तलाफी उमूर में आप कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की तरफ मसले को पलटाओ, तो लौटाने के तरीके कार क्या, कैसे उस मसले को कुरान और सुन्नत पर पेश किया जाए। मिसाल के तौर पर एक मसला है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का, अहनाफ कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे वो सिर्री नमाज हो तब भी मुक्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, जहरी नमाज हो तब भी नहीं पढ़ेगा, वो खामोश खड़ा रहेगा। सोचे पहले आप, खामोश खड़ा रहेगा चुपचाप, चलो जहरी है तो मान लिया कि सुन रहा है, सिर्री में क्या करेगा खड़े होकर के, इधर उधर की बातें सोचेगा। दूसरा मनहज है कि सूरह फातिहा वाजिब है, नमाज का रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। अब ये दो इख्तलाफ है, अब कैसे पता चले किसकी बात सही है, आप दलील देते हो, जो लोग कहते हैं कहते हैं कि इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम बिही, इमाम इसलिए बनाया गया है कि उसकी इक्तदा की जाए, ये दलील देते हैं, जबकि पहली बात तो ये हदीस सही नहीं है। अगर सही भी मान लिया जाए तो इसमें ये नहीं पता चलता कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, उसकी इक्तदा करनी है। दूसरी दलील देते हैं कि कुरान कहता है इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितु, कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहो, तो ठीक है जहरी में आप चुप रहेंगे पढ़ा जाएगा, लेकिन सिर्री में क्यों चुप रहेंगे, आप बताएं, खंगाल लिए दलील को। उसके मुकाबले में जो लोग कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना कंपलसरी है, हर हाल में हर नमाज में मुक्तदी के लिए इमाम के लिए, सिर्री हो कि जहरी हो कि फजर हो कि जोहर हो कि इस्तिस्का हो कि इदैन हो कि जनाजा हो, हर हाल में हर रकात में इमाम के लिए, मुनफरिद के लिए, मुख्तदी के लिए सूरह फातिहा वाजिब है, आप उनकी दलील सुन ले। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की, बुखारी मुस्लिम की, जिसमें जिसके ज़ौफ में किसी की कोई बात है, मुत्तफ़िका तौर पर यह हदीस सही है। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला सलाता लिमन लम यक़्रा बिफातिहा किताब, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इसमें यह हुक्म आम है, यह इमाम के लिए भी है, मुनफरिद के लिए भी है, मुख्तदी के लिए भी है, किसी के लिए खास है, बगैर सूरह फातिहा के नमाज है ही नहीं, एक आम बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। और
आप कहते नहीं तो इमाम के लिए मुक्तदी के लिए नहीं, तो सही मुस्लिम के दूसरी हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातन लम यक्रा फीहा बि उम्मिल कुरान फहिया खिदाद, जो शख्स कोई भी नमाज पढ़े, कोई भी नमाज पढ़े, सिर्री हो कि जहरी हो कि जनाजा हो कि कुछ भी हो, और उसमें सूरह फातिहा न पढ़े तो उसकी नमाज फासिद है, नाकिस है, गैर तमाम। फकील अल अबी हुरैरा, अबू हुरैरा से कहा गया, इन्ना नकून वरा अल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं, मुख्तदी होते तब कैसे पढ़े। बात साफ हो गई, आपका बहाना खत्म, आपके तो इमाम के लिए। यहाँ अबू हुरैरा से पूछने वाले ने पूछा कि हम मुख्तदी हैं तब कैसे पढ़े, काला ही खराब या फिना का अपने मन में आज तक पढ़ो, फिर समय तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, قال الله تعالى, अल्लाह कहता है, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निसफैन, हमने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया। फैदा قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدنا عبدي, अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को नमाज करार दिया, नमाज ही का नाम सूरह फातिहा है, जब सूरह फातिहा ही नहीं तो नमाज का, इतनी बड़ी दलील है सूरह फातिहा पढ़ने के हराम। और बहकी की, हाकिम की, दारकुतनी की रिवायत है जिसकी सनद को अल्लामा अल्बानी ने सही कहा। हजरत यजीद इब्ने शरीक कहते हैं कि उन्होंने हजरत उमर से सवाल किया इमाम के पीछे किरत के बारे में, फकाला इकरा बिफातिहतिल किताब, हजरत उमर ने कहा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, कुल तुम इन कुंता अंता, यजीद बिन शरीक कहते कि हमने कहा अगर से आप इमामत कर रहे हो तब भी मैं पीछे पढ़ू, काला इन कुंतु अना, अगर से मैं ही क्यों ना हूं, कुल तो इन जहरता, फिर पूछते हैं कि अगर से नमाज जहरी तुम पढ़ाओ तब भी मैं पीछे सूरह फातिहा पढ़ू, काल व इन जहर तू, अगर से मैं जोर से पढ़ू। ये तमाम बातें आप पहले कौल की दलील ले लो, उनकी दलील कैसी है, और ये सारी दलाइल लीजिए, इस तरीके से मसाइल को कुरान सुन्नत पर पेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस मसले में किसकी बात ज्यादा सही। ऐसे ही आप ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूटता है कि नहीं, हनफिया कहते नहीं टूटता, हम कहते टूटता है, शरीयत पर पेश करो। वो लोग जो कहते हैं नहीं टूटता, एक भी वाजह दलील उनके पास नहीं है, कतअन वाजह दलील नहीं, मैंने पूरा ककाल के दे दिया, पेश करो, कहीं एक भी वाजह दलील नहीं, लेकिन हमारे पास वाज़ह दलील है। अल्लामा इब्ने मुंजिर, इब्ने हाजम, नौवी, इब्ने बाज, इब्ने उसैमिन, तमाम कहते हैं कि वजू टूट जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपसे सवाल किया गया, अरे तवज़ो मिलहुम अलगनम, क्या हम बकरी का गोश्त खाने से वजू करें, काला इनशे तक अगर चाहो, काला तनो नतवज्जो मिन लहम लिबिल, ऊंट का गोश्त खाने से वजू करें, काला नाम, तवज्जा मिन लहम लिबिल, ऊंट का गोश्त खाने से वजू करो, इससे वाजे होता है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाएगा। अब अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है, शरीयत अकल के हिसाब से नहीं है, शरीयत जो है नुसूस के हिसाब से, नस से सरी है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाए। तो इस मसले में उन लोगों की बात ज्यादा वाजे है जो कहते हैं कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाए। जिस मसले में हमारे पास दलील मौजूद नहीं है, उस मसले में हम किसी इमाम की तकलीफ करें, कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान सुन्नत की इत्तबा की तौफीक दे और अइम्मे कराम के इज्तिहादात से फायदा उठाने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।